हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो पे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता चल चुका ही होगा कि वीडियो किस बारे में है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोगों को जो बाइक देखने को मिलेगा वो फिलहाल तो बी6 भी है और अंडर 1 लाख भी है। दोस्तों इस वीडियो पे गोल मिल के जो बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका जो थंबनेल और टाइटल है वो तो है बी6 बाइक्स अंडर 1 लाख। दोस्तों चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बाइक की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोगों को जो जो बाइक देखने को मिलेगा उस बाइक का जो पोजिशन है वो मैंने जो कॉन्फिगरेशन है एंड उसका जो प्राइस है उसके मुताबिक ही फिक्स किया है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी बुरा वक्त गुजरे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बाइक की स्पेसिफिकेशन की और पोजिशन की ओर। दोस्तों आज के वीडियो पे नंबर 5 पे जो बाइक है उस बाइक का नाम है दोस्तों FZ-FI। हाँ दोस्तों, ये एक 150cc का बाइक है। फिलहाल इस पे आप लोगों को 149cc का इंजन देखने को मिलेगा एंड 12.4 PS का पावर देखने को मिलेगा एंड जो टॉर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है 13.6 Nm। दोस्तों और इसका जो प्राइस वगैरह है, हाँ दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडर 1 लाख ही दोस्तों। और इसका जो प्राइस है वो है 99,700 rupees। दोस्तों आप आते हैं इस वीडियो का जो नंबर 4th पोजीशन पे जो बाइक है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों तो नंबर 4th पोजीशन पे जो बाइक है उसका नाम है दोस्तों TVS Apache 162V। दोस्तों 4V तो 1 लाख से ज़्यादा हो चुका है फिलहाल, तो 2V जो है वो अभी भी 1 लाख से नीचे ही उसका प्राइस पता है। तो इस बाइक पे आप लोगों को 159.7 cc का एक इंजन देखने को मिलेगा एंड इसका जो पावर आउटपुट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 15.53 PS। हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा है इसके मुताबिक। और जो टॉर्क देखने को मिलेगा वो है 13.9 Nm। दोस्तों लेकिन एक जो बुरा चीज़ है इस बाइक का वो है इस पर आप लोगों को 5-speed गियरबॉक्स ही देखने को मिलेगा, 6-speed गियरबॉक्स नहीं देखने को मिलेगा। एंड इस बाइक का जो प्राइस है वो तो ऑब्वियसली 1 लाख के नीचे ही होगा क्योंकि इस वीडियो पे तो है, तो 1 लाख के नीचे होना इसको ज़रूरी है। तो इसका जो प्राइस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 97,000 की प्राइस रेंज और जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 लाख, पक्का 1 लाख के ही प्राइस। दोस्तों आप बढ़ते हैं इस वीडियो का जो तीसरे नंबर पे जो बाइक है उसके ओर। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो बाइक है वो आता है बजाज पल्सर 150। हाँ दोस्तों, इस बाइक का जो इंजन है वो आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा 149.5 cc का एक इंजन। बहुत ही अच्छा इंजन है ये फिलहाल, लेकिन वो आप लोगों को मालूम है कि बजाज का जो गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम आता है हर एक बाइक पे थोड़ा देर बाद ही आता है और अगर आप मेंटेन करोगे तब तो नहीं आएगा, लेकिन उसका जो चेंज सॉकेट है, चेंज पॉकेट है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ झेलना पड़ेगा, ये सब लोगों को ही मालूम है। दोस्तों तो आप बढ़ते हैं इस बाइक के जो स्पेसिफिकेशन है उसके ओर। तो इस बाइक का जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा 149 cc का 4-stroke डुअल वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI-FI इंजन। दोस्तों तो ये इंजन आप लोगों को जो पावर आउटपुट ला के देगा वो है 14 PS एट 8500 RPM एंड जो टॉर्क आप लोगों को ये जनरेट करके देगी वो है 13.25 Nm एट 6500 RPM। दोस्तों तो इस बाइक का भी प्राइस रेंज तो मालूम ही है कि 1 लाख से नीचे होगा। तो इस बाइक का जो प्राइस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 96,960 rupees। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो पे नंबर 2 पे, हाँ दोस्तों नंबर 2 पे जो बाइक है वहाँ पर भी आप लोगों को बजाज का ही एक बाइक देखने को मिलेगा क्रूजर टाइप। तो आप लोग का अंदाज़ा लगा ही सकते हो फिलहाल 2 सेकंड के लिए, उसके बाद तो मैं बोल ही दूंगा बाइक का नाम। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बाइक देखने को मिलेगा उसका नाम है दोस्तों बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160। हाँ दोस्तों, ये क्रूजर बाइक है फिर भी नंबर 2 पे ही है। ये एक 160cc इंजन का बाइक है एंड इसका जो पावर आउटपुट है इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है 15 PS का एंड इसका जो टॉर्क है वो आप लोगों को इस बाइक पे देखने को मिलेगा 13.7 Nm की। दोस्तों और इस बाइक का जो प्राइस रेंज है वो आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा 94,843 rupees। दोस्तों आप आते हैं जो एक नंबर पे बाइक है। हाँ, हर किसी को तो लग रहा है कि कुछ अपने ख्याल से वो लोग बैठा चुके हैं नंबर 1 किसी बाइक को, लेकिन किसी किसी का दिल दुखने वाला है, किसी किसी का मन सही होने वाला है क्योंकि उन लोगों ने सही सोचा था। चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 पे जो बाइक है उसके ओर। दोस्तों तो नंबर 1 पे जो बाइक है उसका नाम है बता दू तो चलिए नंबर 1 पे जो बाइक है उसका नाम है दोस्तों होंडा। कौन सा बाइक? होंडा का। तो दोस्तों चलिए बिना किसी बुरा बात से बोल ही देते हैं, तो नंबर 1 पे जो बाइक है उसका नाम है होंडा यूनिकॉर्न। दोस्तों हाँ दोस्तों, जो बाइक मैंने बोला 5 से लेकर 2 तक उस सभी बाइक से इसका जो पावर आउटपुट है एंड टॉर्क आउटपुट है वो ज़्यादा है। तो ये बाइक 1 नंबर पे है और इसका जो प्राइस रेंज है वो भी कम है, तो इसीलिए इसका पोजीशन 1 पर है। दोस्तों हाँ, मानता हूँ कि बाकी सभी बाइक के लुक्स के मामले में ये ज़्यादा कम लुक्स देने वाला बाइक है, लेकिन फिर भी इसका जो टॉर्क एंड पावर है वो ज़्यादा है उस दूसरे बाइकों से दोस्तों जो 1 लाख के नीचे आता है। तो ये फिलहाल एक 162.7 cc का ही बाइक है। यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सिलेंडर 4-stroke FI इंजन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो आप लोग को पावर देखने को मिलेगा वो है
12.9 पीएस का पावर एंड जो टॉर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस बाइक का जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने पेश है, उसका जो प्राइस रेंज है ये है 93,593 रुपीज़ दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कम प्राइस था इस बाइक के लिस्ट पे जो बाइक मैंने बोला। और दोस्तों, जो बाइक मैंने बोला अभी, इन सभी बाइकों के बारे में आप लोगों को सिंगल सिंगल करके वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट पे जाके किस किस बाइक के बारे में सिंगल सिंगल वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताना। और दोस्तों, क्या कुछ मैं बुरा बोला वो भी कमेंट पे जाके ज़रूर बताना, और क्या कुछ अच्छा बोला वो भी कमेंट पे जाके बताना। दोस्तों, आप लोगों को और कोई बाइक 1 लाख के अंडर, हाँ बहुत सारा बाइक है लेकिन इस पावर आउटपुट, इस प्राइस रेंज, इस टॉर्क के बावजूद, इससे ज़्यादा टॉर्क, इससे ज़्यादा पावर जनरेट करता है, तब भी नंबर 1 जो होंडा यूनिकॉर्न है उसके साथ कम्पीट कर सकता है 1 लाख के अंडर, तो आप लोग उस बाइक का नाम इस कमेंट लिस्ट पे बता सकते हो दोस्तों, तो मैं ज़रूर गौर करूँगा उस पर। और हाँ दोस्तों, अभी मैंने जितना भी बाइक का नाम लिया, ये जो 5 बाइक था, तो इस बाइक का जो प्राइस मैंने बोला वो हर एक बाइक का एक शोरूम प्राइस है दोस्तों। तो आप लोग बोलोगे कि जो 1 लाख वाला बाइक था जो मैंने बोला पक्का 1 लाख होगा, तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा 10,000 ज़्यादा होगा, क्योंकि जो वगैरह वगैरह काम कराना पड़ता है कुछ पेपर वर्क वगैरह उसके लिए। तो दोस्तों, ये हर एक बाइक का एक शोरूम प्राइस ही था, तो उसका जो 20 वाला वेरियंट उसका तो होगा, तो क्या कुछ कर सकते। तो सभी बाइक का जो ये प्राइस था ये एक शोरूम है, और ऑन रोड प्राइस तो आप लोगों को जाके पता चल जाएगा। फिलहाल ऑन रोड प्राइस भी आप लोगों को 1 लाख के ही अंदर देखने को मिलेगा, 1 लाख के ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे न्यू हो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जाओ धार पर नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको पेल दो, ऐसे ही न्यूजेबल वीडियो के लिए, बाइक रिलेटेड न्यूजेबल फिलहाल। और बाइक के और भी कुछ वीडियो है आप लोग जाके देख ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं है, आई बटन पे आ रहा है, और मेरा चैनल विजिट कर सकते हो आप लोग, इन स्क्रीन पे भी कुछ वीडियो शायद आएगा। तो दोस्तों, बिना किसी झिझक आप लोग ये सब्सक्राइब बटन को पेल सकते हो, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको प्रेस नहीं किया तो आप लोगों के पास मेरा वीडियो देरी से जाएगा दोस्तों। तो क्या बात है दोस्तों, क्यों देरी कर रहे हो, जाओ धैर्य पर जाओ और सब्सक्राइब बटन को पेल के रख दो दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं अगले कुछ छटपटा वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय।